नमस्कार साथियों, अभी तक हमने एमएस वर्ड के सीरीज में अभी तक हम पढ़ चुके हैं होम मेन्यू, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस। इसके बाद हम आज बात करते हैं मेलिंग की। मेलिंग है मेलमर्ज, जिसके अंतर्गत कुछ चीज़ें दे रखी इसके अंतर्गत, और उनमें जैसे इसका एनवलप ऑप्शन है, लेबल्स हैं और मेल मर्ज है ना, और इसके अंदर सेलेक्ट रिसेप्शंस है ना, एडिट है। तो हम एक ही बार एक सभी को समझते हैं। सबसे पहले बात करें लेबल की, तो लेबल या सॉरी एनवलप की बात करते हैं। कहीं ना कहीं हम जब कोई भी लेटर या एप्लीकेशन कहीं और सेंड करते हैं, तो उस समय हमें उस का एनवलप तैयार करना होता है। और एनवलप को प्रिंट करने के दो तरीके हैं। पहला हमारा लेबल कहलाता है, दूसरा एनवलप होता है। लेबल के अंतर्गत हम खुद लेबल को एनवलप के अंतर्गत हम एनवलप के ऊपर ही प्रिंट कर लेंगे, और दूसरा लेबल के अंतर्गत छोटी छोटी रिसिप्ट बना करके उनको हम उस एनवलप के ऊपर चस्पा कर देंगे, चिपका देंगे, और फिर हम उसको लेटर को कहीं सेंड कर सकते हैं, एनवलप को सेंड कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं एनवलप कैसे प्रिंट करते हैं। इसके लिए हम एनवलप को क्लिक करते हैं, यहाँ पर एनवलप एंड लेबल विंडो आ जाता है। इसमें आपको देना होगा डिलीवरी एड्रेस, जिसे आप सेंड करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम दे देते हैं टू मिस्टर आर के जैन, एमपी नगर, जॉन, फर्स्ट, भोपाल, MP, ठीक है, और वहाँ का जो भी कोड हो वो हम यहाँ पर डाल देंगे, है ना। पिन कोड जो भी है 2001 शायद, आई थिंक 465001 कन्फर्म नहीं है, जो भी होगा। तो हम डिलीवरी एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यदि इसे मेल पर भी हमें पहुंचाना है, तो एड इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल को हम चेक लगा देंगे और मेल आईडी डाल सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पहुंचाना, हमें हार्ड कॉपी पहुंचाना है। दूसरा हम यहाँ पर देंगे रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस में हम डाल सकते हैं फ्रॉम, अपना जो भी एड्रेस होगा, सुजानपुर हमने डाला। इसके दो तरीके हैं। एक तो हम एनवलप को, जो खाली लिफाफा है हमारा एनवलप है, उसको हम प्रिंटर में रख देंगे और डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से, या चाहे तो हम ऐड टू डॉक्यूमेंट को क्लिक कर सकते हैं। इससे जो हमने डेटा ऐड किया है वो हमारे डॉक्यूमेंट फाइल में आ जाएगा। ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट पेज ये है, जबकि ये एनवलप का फॉर्मेट है, जिसमें फॉर्म शुभम M0 सुजालपुर और टू में मिस्टर आर के जैन। इस प्रकार से एनवलप का प्रिंट यहाँ पर हो जाएगा। दूसरी स्थिति होती है कि जब हमारा प्रिंटर सपोर्ट नहीं करता एनवलप फॉर्मेट को, या हमें परेशानी आ रही है कि सही है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्शन सही होना चाहिए जब हम प्रिंटर में प्रिंट दे रहे हैं एनवलप को, तो हमें थोड़ा सा लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए, तो हम दूसरा एक तरीका अपनाते हैं लेबल का। लेबल को क्लिक करते हैं, जिससे लेबल विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर हम जो है कि अपना एड्रेस जहाँ पर सेंड करना है वो रिटर्न एड्रेस में अस रिटर्न एड्रेस ये दोनों चेक लगा देंगे, और फुल पेज ऑफ द सेम लेबल ये हमें रखना है तो रख सकते हैं, और इसे न्यू डॉक्यूमेंट पर ले जा सकते हैं। तो इसमें दोनों का एड्रेस अलग अलग रिसिप्ट में हमें लेना पड़ेगा। रिटर्न एड्रेस का प्रिंट है ये, और यदि हम सेंड एड्रेस का प्रिंटर लेना चाहते हैं तो रिटर्न एड्रेस का इस बैक साइड में आएगा, यानी प्रिंट में जब हम करेंगे तब हमें इसको बैक साइड में रखेंगे, और जो है कि रिटर्न एड्रेस हमें नहीं रखना है तो टू डिलीवरी एड्रेस यहाँ पर हम डाल देंगे। इस प्रकार से
हम जो है लेबल को प्रिंट कर सकते हैं। टू करके हम यहीं पर जो भी एड्रेस हमारा रहेगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे और इसे न्यू डॉक्यूमेंट पर ऐड करेंगे। ये देखिए टू आर के जेन यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से एनवलप एंड लेबल क्रिएशन हमने सीखा। बहुत आसानी से हम लेबल क्रिएट कर सकते हैं और जो है कि इनवलप प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं, उसमें आता है मेल मर्ज। मेल मर्ज एक बहुत उपयोगी ऑप्शन है, लेकिन वर्तमान समय कहीं ना कहीं इसका यूज़ कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं मेल मर्ज का यूज़ कम होना उसका कारण है कि वर्तमान समय में जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं वही आपको ईमेल ऐड करने की सुविधा देती है। ख़ास तौर पर इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हमें एक मेल मैसेज को एक साथ एक बार में कई लोगों को पहुंचाना हो। जैसे 100, 1000, 2000 लोगों को हमें एक साथ कोई मेल सेंड करना है, तब हम मेल मर्ज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रायः हमने कहीं ना कहीं देखा है कि ईमेल सर्विसेज जो अपने लॉगिन से हमें सर्विस देती है वो प्रोवाइडर संस्थाएं भी एक साथ कई ईमेल मैसेज पहुंचाने की सुविधा हमें देती है। फिर भी हम इसको देखते हैं, समझते हैं। तो इसके लिए स्टार्ट मेल मर्ज को हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर लेटर मेल करना है या ईमेल मैसेज को मेल मर्ज में रखना है। इनवलप और लेबल जो हमने अभी समझा, डिक्शनरी भी यहाँ पर ऑप्शन है और नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट को भी आप मेल मर्ज में रख सकते हैं। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप यदि इसको देखें तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड को क्लिक करते हैं, जिससे मेल मर्ज हेल्पर बॉक्स विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं जो अभी दे रखे थे। तो हम यहाँ पर लेटर को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर 6 स्टेप में मेल मर्ज ऑप्शन पूरा होता है। इसे नेक्स्ट करेंगे। हम बोल रहा है यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट, क्या जो वर्तमान समय में डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसी डॉक्यूमेंट को आप जो है मेल मर्ज में रखना चाहते हैं, इसे सेंड करना है, या कोई स्टार्ट फॉर्म टेम्पलेट है, पहले से बना हुआ टेम्पलेट्स हैं, या इसमें वर्ड के साथ में जो टेम्पलेट्स मिलते हैं वो उसे आप मेल मर्ज के रूप में रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट, कोई फाइल आपके पहले से बनी हुई है और उसे मेल करना है आपको और मेल मर्ज में रखना है तो उसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे हम ये फाइल ले लेते हैं, अब इसमें व्यवस्थित डाटा नहीं है लेकिन फिर भी हम इसी को समझ लेते हैं, समझने के लिए है। तो यहाँ पर हम ओपन होने के बाद यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट है। सेकंड स्टेप में हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आता है लिस्ट का सिलेक्शन, जिन लोगों को हम मेल करना चाह रहे हैं उनका लिस्ट क्रिएशन हमें यहाँ पर करना होगा। उसमें पहला ऑप्शन है यूज़ एन एग्जिटिंग लिस्ट। आपके पास पहले से है तो आप एग्जिटिंग लिस्ट को क्लिक करें, और नई क्रिएट करना चाहते हैं तो टाइप इन न्यू लिस्ट को क्लिक करें और सेलेक्ट करें और क्रिएट को क्लिक करें, जिससे क्रिएट विंडो आएगा। यहाँ पर हमें एक के बाद एक रिकॉर्ड इनपुट करना होगा जिनको भी हम मेल मर्ज के रूप में डेटा पहुँचाना चाह रहे हैं, तो उनका यहाँ पर रिकॉर्ड हम ऐड कर लेंगे। जैसे हमने मिस्टर एसएस कुमार, उनका कंपनी एड्रेस, ट्रू एड्रेस, स्टेट, ये पूरे रिकॉर्ड हम फिल करते जाएंगे जिनकी हमें आवश्यकता है। कंट्री, होम फोन, वर्क फोन, ईमेल खास तौर पर हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं। तो ईमेल के लिए हम ईमेल ऑप्शन पर जाते हैं, जैसे ss@gmail हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। दूसरा, इतने सब के जैसे हमने जिप कोड को स्किप किया है, कंट्री को किया है, तो इन फील्ड को आप हटा भी सकते हैं। इसके लिए आप कस्टमाइज कॉलम को क्लिक करें और जिन फील्डों को आप रखना चाहते हैं उन्हें आप रख सकते हैं, और जिन्हें हटाना है
जैसे एड्रेस फर्स्ट ही रखना है, सेकंड नहीं रखना है, तो डिलीट ऑप्शंस हैं। सिटी हम रखेंगे, स्टेट हम रखेंगे, जिप कोड हम रखेंगे, कंट्री हमें ज़रूरत नहीं है, हमें अपने ही कंट्री में मेल करना चाहते हैं, और होम फोन, वर्क फोन, होम फोन की हमें आवश्यकता नहीं है तो हम हटा सकते हैं। अब देखेंगे कि जो फील्ड हम नहीं रखना चाहते वो नहीं आएंगे। अब हम डाल देते हैं MRS सुशीला हमने डाल दिया, नाथ हमने, कंपनी एड्रेस जो भी है आप डालें वो आप यहाँ पे फिल करते जाइए, इसके बाद वर्क फोन और उनका ईमेल आईडी हमने एक्टिव प्रेस कर दिया है। हम यहाँ पर फिर से पूछते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जितने लोगों को मेल करना है, 100, 50,000, 2,000, उनके सभी के एक बार आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट करना होगा। इसके बाद आप ओके को क्लिक करें और उस कॉन्टैक्ट लिस्ट का आप नाम दे दीजिए, जैसे हमने दे कॉन्टैक्ट, सेव कर देते हैं, ओके करते हैं। कहीं सीवन नाम की फाइल यूज हो रही थी कौन नाम की, इसलिए नहीं हुआ, तो हमने नाम डिफरेंट यहाँ पे चेंज करके दे दिया। चलिए, तो ये है रिकॉर्ड हमारे आ रहे हैं, अब हम ओके करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एडिट करना है तो हमारी लिस्ट को एडिट करने का ऑप्शन है, सिलेक्ट डिफरेंट लिस्ट, पुरानी कोई डिफरेंट लिस्ट हमें ऐड करना है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट को क्लिक करते हैं। एड्रेस ब्लॉक जो इस लिस्ट हम सेंड करेंगे उसमें कोई ब्लॉक, जैसे ये एग्जांपल बता रहा है SS कुमार, तो SS कुमार के आगे मिस्टर SS कुमार इस प्रकार से आए, तो ये फॉर्मेट है, जो भी फॉर्मेट में आप लेना चाहें वो आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। ओके करें तो एड्रेस ब्लॉक आ जाएगा। ग्रीटिंग लाइन यदि उनके लिए आप कोई मिस्टर DR इस प्रकार का कोई विशेष पर्टिकुलर ग्रीटिंग लाइन आप लेना चाहते हैं तो उसे आप ऐड कर सकते हैं। तो एड्रेस ब्लॉक, इसके बाद ग्रीटिंग लाइन, इनमें एंटर हमें करना हो, हम अलग अलग रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। नेक्स्ट को क्लिक, यहीं पर अब देखिए मैं बैक जाता हूँ, यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल भी है, यहीं से डायरेक्ट यदि सर्विस नेटवर्किंग आपकी है तो यहीं से आप इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कर सकते हैं, और हम हार्ड कॉपी पहुँचाना चाहते हैं तो फिर हम नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। और यहाँ पर एडिट का ऑप्शन एक बार और दे रहा है आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह में कि आपको कोई संशोधन करना है तो वो करिए, नहीं तो लास्ट में कंप्लीट द मर्ज को क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो एक लेटर है और 100 लोगों के एड्रेस हैं वो आपके बाई डिफ़ॉल्ट इसमें आ जाएंगे। आप इसको हमें टॉप में रखना है, एक्चुअली हमने यहाँ नीचे रख लिया था, हमें कर्सर रख करके ऊपर रखना था इसको, तो टॉप में एड्रेस आएगा, ग्रीटिंग लाइन आएगी, उसके बाद लेटर हमारा डेटा रहेगा, बस हमें प्रिंट करते जाना है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस जो है उनके साथ में उनका डेटा प्रिंट हो जाएगा, आप इसको प्रैक्टिकल में प्रिंट करके देख लीजिए, उनके ऊपर एड्रेस आएगा, नीचे आपका लेटर आएगा, बस उनको एनवलप फोल्ड कीजिए और सेंड कर दीजिए। इस प्रकार से आसानी से मेल मर्ज का प्रयोग करके एक साथ कई लोगों को हम इनको मेल कर सकते हैं। और इन्हीं से संबंधित सेटिंग्स यहाँ पर भी दे रखी है, जैसे हाईलाइट मर्ज फील्ड को हाईलाइट करना है, एड्रेस ब्लॉक को हाईलाइट करना है, एड्रेस ब्लॉक इंसर्ट करना है, यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, एड रिसिप्ट सिलेक्ट रिसिप्ट एडिट करना है, तो ये सारा मेल मर्जिंग मेलिंग है। और इसके पहले हमने लेबल एनवलप समझा था, यहीं पर फाइंड करना है किसी रिकॉर्ड को ऑटो चेक, खुद एरर वगैरह ऑटो चेक करे, तो वो सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो साथियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।